नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, टाटा एडवांस की तरफ से फिर से नई वैकेंसीज आ गई। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टाटा एडवांस की तरफ से काफ़ी वैकेंसीज आपको अपकमिंग में देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके पास अभी काफ़ी प्रोजेक्ट है, ठीक है। और एयरबस से भी काफ़ी प्रोजेक्ट मिला है और डिफेंस के तरफ से प्रोजेक्ट तो मिल ही रहा है, तो अपकमिंग में बहुत सारे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। इसलिए टाटा एडवांस की तरफ से वैकेंसीज का अगर आपको अपडेट चाहिए तो प्लीज़ जॉब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाटा का जो भी वैकेंसीज आता है, खास करके टाटा एडवांस की, चाहिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट देते हैं। तो फिलहाल फिर से वैकेंसीज आपका आया है टाटा एडवांस की तरफ से, और इसमें दोस्तों H125 फाइनल असेंबली के लिए भर्ती है, जिसमें टेक्नीशियन और क्वालिटी इंस्पेक्टर और पेंटर की वैकेंसीज आपका रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दो नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और ये दोनों नोटिफिकेशन आपको टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से, और इसका जो वर्क इन ड्राइव होगा आपका पुणे में। और इसके तरफ से एक और वैकेंसीज आया है और उसका भी इंटरव्यू आपको बताने वाला हूं। तो पहले ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, देन इसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका वर्क इंटरव्यू कहां होगा आपका? पुणे में होगा, ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट प्लेयर्स फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस सॉल्यूशन इज हायरिंग फॉर प्रोजेक्ट H125 फाइनल असेंबली लाइन। तो अभी इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, H125 जिसका फाइनल असेंबली लाइन है, यानी कि फाइनल असेंबली होनी है, और इसी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं, और वर्क लोकेशन आपका बेंगलुरु में आपका रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं, सबसे पहले टेक्नीशियन असेंबली मैकेनिकल के लिए, ठीक है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस मैकेनिकल असेंबलीज ऑपरेशन इंस्टॉल ट्यूबिंग ट्यूबिंग ऑफ फ्लूइड और सिस्टम एंड डायनेमिक कंपोनेंट्स वर्क नॉलेज इन कंपोजिट रिपेयर ड्रिलिंग एंड रिवाइटिंग एंड टॉर्क एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप मैकेनिकल से रिलेटेड इस वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो जरूर जाके इंटरव्यू देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक असेंबली के लिए, और इसके लिए दोस्तों एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलेशन ऑफ रिमूवल या वायरिंग हार्नेस अलॉन्ग विथ क्रिम्पिंग एंड सोल्डरिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल बॉन्डिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टॉर्क टाइटनिंग ऑन द ऑन एन एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी टेक्नीशियन, जिसमें ग्राउंड टेस्ट इलेक्ट्रिकल और एवेनिक्स होगा, ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग होगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल एवेनिक्स सिस्टम ट्रबल शूटिंग और क्रिम्पिंग एंड सोल्डिंग एंड एबिलिटी टू रीड इंटरप्ट वायरिंग डायग्राम्स स्केमेटिक ऑफ एन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी इसका भी टेक्नीशियन करेगा, और इसके लिए आपका ग्राउंड टेस्ट मैकेनिकल सिस्टम रहेगा, जिसमें आपका फंक्शनल टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम फ्लाइट कंट्रोल और हाइड्रोलिक्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डायनेमिक कंपोनेंट्स एंड वेरियस मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, जिसमें आपका LRU यूज्ड इन ऑन हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो इस सर लेवेड फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपका AME या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो एरोस्पेस वगैरह से आपने कोई कोर्सेस किए हैं तो अप्लाई करें कर सकते हैं, या अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा पास आउट है जो यहाँ पर ब्रांचेस दिया है, जैसे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ठीक है, या एवेनिक्स वगैरह हो, तो आप अपना जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों सनफ्लावर विथ एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है। और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट यहाँ पर जो किस फंक्शन जो स्किल्स दिया है उस स्किल्स से रिलेटेड आपको वर्क आता है और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, और तो आप जाके इंटरव्यू ज़रूर देंगे, ठीक है। और इसका जो इंटरव्यू होगा दोस्तों, आपके यहाँ पर डेट दे सकते हो 30 नवंबर को होगा, सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए जो एड्रेस है, लेमन ट्री प्रीमियम सिटी सेंटर पुणे 15/15A सिटी सेंटर 40 कन्नाघाट रोड पुणे कन्नौट रोड
पुणे महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है, आप इस एड्रेस में जाकर इंटरव्यू देंगे। अभी फिर से नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों, इसका भी वर्क इंटरव्यू दोस्तों आपका पुणे में ही रहने वाला है, ठीक है। और टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से ये वैकेंसीज आपका आया है। और पहला जो रिक्वायरमेंट इसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिकल नॉलेज में आपको होना चाहिए क्वालिटी के लिए, जिससे आपका AS900D रिक्वायरमेंट एज ए, ये दोस्तों आपको क्वालिटी के स्टैंडर्डाइज होती है, स्टैंडर्ड्स होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, वर्क नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी नॉलेज ऑफ AS900D रिक्वायरमेंट, एबिलिटी टू इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल एंड ऑवियनिक्स सिस्टम्स एट यूनिट लेवल एंड एयरक्राफ्ट असेंबलीज, ठीक है। एंड नॉलेज ऑन फिक्स्ड वायरिंग विंग रोटरी एयरक्राफ्ट सिस्टम नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इसके रिलेटेड इन्हें कि नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्टिंग क्या होता है दोस्तों, जो भी कोई भी जो भी आप असेंबल वगैरह करते हैं या जो भी प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वायरिंग यूज़ कर रहे हैं तो किसी वजह से अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसका NC लिखा जाता है, तो उसी को बोला जाता है दोस्तों नॉन कन्फर्मेंस, ठीक है। तो उसको NC बोला जाता है, नॉन कन्फर्मेंस। और उसको फिर से जो रिपेयर सेक्शन होता है वहाँ पे जाकर उसको फिर सही किया जाता है, अगर वो चलने लायक होता है तो उसको पास करता है, वो डिसाइड करते हैं मैनेजमेंट और उनकी इंजीनियर टीम, फिर उसको जो है पास करके आपको आगे के तरफ से इसको आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों नॉन कन्फर्मेंसिंग रिपोर्टिंग। तो आपको अगर इससे रिलेटेड जैसे कोई भी रिजेक्ट होता है तो किस वजह से रिजेक्ट होता है उसका एक जो प्रॉपर एक डेटा लिखा जाता है, ठीक है, किस वजह से फेल हुआ, क्या फेलियर है, नेचर ऑफ फेलियर क्या है, तो उसका प्रॉपर आपको रिपोर्टिंग वगैरह भी देना पड़ता है। उसके बाद आपका असाइनमेंट वगैरह साइन वगैरह करना पड़ता है, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बना जिस वजह से उसका हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिपोर्टिंग वगैरह आपको करना आना चाहिए, ठीक है। पेंटर की भी वैकेंसीज है, नॉलेज ऑफ पेंट मिक्सिंग टेक्निक्स एंड रोटेशन प्रीमियम एनामल्स लेक्योर्स थिनर्स और प्रीपेयर्स ऑफ एयरक्राफ्ट सरफेस बाय स्टैंडिंग मास्किंग एंड प्रीमियम सरफेस फॉर फाइनल लेआउट एंड पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटर से रिलेटेड आपने अगर कोई कोर्सेज वगैरह किए हैं तो जाके इंटरव्यू देंगे। और क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें भी AME दिया है दोस्तों, ठीक है। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर वगैरह से आपने इंजीनियरिंग वगैरह किए हैं या आपने डिप्लोमा वगैरह किए हैं या कोई कोर्सेज किए हैं एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वगैरह से तो जा सकते हैं, या आपने डिप्लोमा वगैरह किए हैं रिलेवेंट फील्ड से, इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं या पेंटिंग वगैरह से, ठीक है। 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया दोस्तों, रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए और इसका इंटरव्यू सेमी एड्रेस पे होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी वैकेंसीज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट्स है, तो ज़रूर जाकर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अच्छा सैलरी भी रहता है और जॉब प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। और इनका एक्सपीरियंस अगर आपके पास रहता है तो बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में भी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज कंपनी है, वहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको एज ए मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।